पटना स्थित जनता दल मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने प्रदेश के विभिन्न जिले से पहुंचे आम लोगों की समस्याओं को सुना और लोगों की समस्या समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में महिला आरक्षण बिल के संबंध में पूछे सवाल पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक जो उन्होंने निर्णायक पहल की है उसी का अनुकरण करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाने का निर्णय लिया है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पहल पर बिहार में महिलाओं को 50% त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण मिला, एकल पद पर मिला और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिला और महिला सशक्तिकरण के दिशा में श्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। जीविका के माध्यम से 10,45,000 स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं। 1 करोड़ 30 लाख परिवार को अभी तक हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत तेजी से बिहार काम कर रहा है और बिहार के तर्ज पर ही बिहार देश के महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। अररिया पुलिस ने रानीगंज डकैती मामले का उद्भेदन कर दिया है। लूट के सामान के साथ 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 17 सितंबर को रानीगंज के काला बलुआ गांव में मक्का व्यवसायी के घर डकैती हुई थी। अररिया पुलिस में रानीगंज थाना क्षेत्र के काला बलुआ गांव में 17 सितंबर को हुई डकैती मामले का 3 दिनों में ही खुलासा कर दिया गया है। अररिया SP अशोक कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि रानीगंज थाना क्षेत्र के काला बलुआ गांव में हुई डकैती मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही लूट के सामान को भी बरामद कर लिया गया है। 17/9/23 को रात्रि करीब 12:30 बजे रानीगंज थाना क्षेत्र में रिंकू नायक जो काला बलुआ के रहने वाले हैं उनके घर में 10-12 नकाबपोश अपराधकर्मी घर में घुस के गृह डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें वादी के द्वारा 5,500 रुपये, सोना चांदी के जेवरात और मोबाइल ले जाने की बात, ब्रीफ केस वगैरह वगैरह ले जाने की बात बताई गई थी। जिस संबंध में रानीगंज में 395 का कांड दर्ज किया गया और तत्काल अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड को तकनीकी अनुसंधान के आधार पे उद्भेदन किया गया है। तकनीकी अनुसंधान के आधार पे इसमें संलिप्त 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही के आधार पर कांड में लूटा गया चांदी के सभी जेवरात, स्टील के बर्तन, वादी का जमीन का केवाला जो उसके बैग में था जो चला गया था, रसीद वगैरह, लूटा गया मोबाइल, लूटे गए कपड़े जो ब्रीफकेस में कपड़े थे वगैरह वगैरह बरामद हुआ और 3,000 रुपये भी बरामद हुआ जिसे जब्त किया गया। पटना की आस्था IVF में उत्सव मनाते केक काटा गया, मिठाइयां बांटी गई और बधाइयों का तांता लग गया। ये खास मौका था एक बच्चे के जन्म का जिसके माता और पिता दोनों दिव्यांग थे। रोहतास के तिलौथू के दंपति की शादी 16 साल बीत चुकी थी। शादी के वो दोनों पूरी तरह से दिव्यांग हैं और व्हीलचेयर पर चलते हैं। उन्हें बच्चे की चाहत थी, इसके लिए उन्होंने रोहतास के अलावा पटना, बनारस और न जाने कहां कहां के चिकित्सकों से संपर्क किया था, लेकिन उनकी मुराद पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीलू बताती हैं कि ये इतना आसान नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ प्रजनन क्षमता को लेकर भी समस्या थी। इसके बावजूद IVF से और पूरी तरह से स्वस्थ बच्चा इन्हें हुआ और प्रसव काफी मायनों में सामान्य प्रसव से अलग था। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और ऐसे में IVF सिस्टम ने एक ऐसे दंपत्ति को खुश होने का एक बेहतरीन मौका दिया। इनफर्टिलिटी का वो है एज फैक्टर। आज लड़कियां गांव से हो या शहर से हो 30 और 35 के बीच में शादी के लिए अपना माइंड मेकअप कर रही हैं और लड़के भी लगभग 30, 32 और 35 प्लस हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो बॉडी का जो हार्मोनल स्टेटस है वो बिल्कुल ही अल्टर हो जाता है और PCO पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और दूसरा एंडोमेट्रोसिस, ये सारी कुछ ऐसी समस्याएं उम्र के साथ डेवलप करती है जिसमें उसे बच्चे ठहरने में, प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने में बहुत ही समस्याएं आ रही है और आज के दिन में हर
हर तीसरा पेशेंट पीसीओ का है और हर दसवां पेशेंट इनफर्टिलिटी का है। आज इनफर्टिलिटी की समस्या एक विकराल रूप ले रही है और आने वाले दिन में एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर अल्टरनेट पेशेंट को एक आईवीएफ सेंटर का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा जो कारण है इनफर्टिलिटी